स्पाइस जब फिटराइज का क्लास लिए थे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम था तो आपने मैसेज नहीं किया, अपने ग्रुप में फिर भी उसी एक्सरसाइज से 3C एक्सरसाइज 3C से फिर एक दो क्वेश्चन लेकर रिपीट करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 66 क्वेश्चन है उसके अंदर में। आपने होमवर्क बनाकर ग्रुप में नहीं डाले हैं और नहीं क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप होमवर्क बनाएं और क्वेश्चन भी पूछें। इससे क्या होता है कि पढ़ाने में आप ठीक लगता है। आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप पर उतना प्रेशर बनाना उचित नहीं समझता हूं। जब स्वयं को नहीं रहेगा ये बात को चिंता नहीं रहेगी तो हमारे प्रेशर कितने फिर से बनाएंगे, आप अच्छे नहीं कर सकते हैं। 9-10 को खुद पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उसको खुद जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे प्रेशर चलता है 6 क्लास तक, 7 क्लास तक, 5 क्लास तक। बच्चे हैं, आप तो सीनियर स्टूडेंट्स हैं। अगर 66 क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, उसमें सारा क्वेश्चन 66 आपका और 12 बन गया। अगर नहीं बना तो आप क्वेश्चन भेजते हमको, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाले को ठीक लगता है। ये मेरा शिकायत आपसे है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का जो क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3C से में 2-3 क्वेश्चन आप बता देता हूं, आपके अपडेट नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलाएंगे। आप ही का एक्सरसाइज का बुक है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज 3C आप नहीं पूछे तो हम ही बता देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 39 में 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5√3 स्पाइरल जब करके बनाना था इसको। आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 6 × 30 और 90x² प्लस 90x². अब 90 को आपको जो ऐसे स्पाइरल जब करना है, दो नंबर को फाइंड आउट करना है और उसको ऐड करने पर 47x आएगा। पिछले क्लास में बताए थे कि किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम 45 और माइनस 45 माइनस 2 को लेते हैं तो बीच जो मिडिल टर्म है वो ऐड करने पर चली जाती है। 6√3x² माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5√3। अब ग्रुप में हो गया फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, यह स्पष्ट है कि इसमें हम क्या फॉर्म ब्रेक आउट कर सकते हैं। ब्रेक आउट अगर 2x लाना है ये तो साफ पता है कि इसमें हम 1 टेक आउट करेंगे। अपना भी ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करके भी पता करते हैं इस ग्रुप में आउट होगा। इस ग्रुप में यदि से आप टेक आउट 1 आउट हो सकती है तानी इधर 2x ही बचेगा, तो आपको 2x बचने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 लेंगे, √3 लेंगे
तब तो यहाँ एक्स, तब तो टू एक्स यहाँ रहेगी, यहाँ लिखेंगे टू एक्स, देखिए मल्टीप्लाई करके थ्री टू या सिक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर, अभी से 45 से थ्री रूट थ्री लेंगे तो फाइव रूट थ्री, यहाँ देखिए फाइव रूट थ्री, इसी को फेस को मिलाना है, दो ग्रुप रहता है, दो ग्रुप में आप देखिए कौन है जिस इजी ग्रुप से हम टेक आउट कर सकते हैं, और इसको तो ऐसे अब थ्री रूट थ्री एक्स कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए मेरा ग्रुप आता है कि नहीं, थ्री टू जो सिक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव थ्री जब 45 और 45 एक्स, इसमें माइनस वन कॉमन लीजिए वो इजी था, तो एक्स माइनस फाइव रूट थ्री यानी टू एक्स माइनस फाइव रूट थ्री, अब इस ग्रुप में टू एक्स माइनस फाइव रूट थ्री को टेक आउट कीजिए, टू एक्स माइनस फाइव रूट थ्री टेक आउट, इस ग्रुप में क्या रह गया, क्या लेफ्ट हुआ थ्री रूट थ्री एक्स, और इस ग्रुप में क्या रह गया माइनस वन, इस प्रकार से 39 से लेकर 42 यानी 7, 8, 7, 8 क्वेश्चन है रूट पर जो बच्चे क्लास में पूछते हैं, वही क्वेश्चन को हम लेते हैं ऑन बोर्ड ऑनलाइन क्लास में, तो रूट रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा इसी प्रकार से बनाएंगे, पिछले क्लास में भी ये एग्जांपल लेकर समझाए थे आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एक फिर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर प्लस 101 ए प्लस टू बी प्लस 100, तो पिछले क्लास में भी रिपीट, हम जो पढ़ाते हैं तो पिछले क्लास को रिपीट करते रहते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो ऐसे आपको बताए थे कि लेट ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ए मान लीजिए, तो पुटिंग ए करने पर ए स्क्वायर प्लस 101 ए प्लस 100, अब इसको आराम से आप स्पाइट अप कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 100 ए और प्लस ए प्लस 100, दो ग्रुप डेवलप हुआ, टेक आउट ए होगा, ए प्लस 100 प्लस उसमें वन टेक आउट होगा ए प्लस 100, ए प्लस 100 को टेक आउट करते हैं तो लेफ्ट ए प्लस 1, पुटिंग जो किए हैं ए प्लस 2 भी यहाँ पुटिंग करना है, पिछले क्लास में बताए थे ए प्लस 2 भी इज इक्वल टू ए है, तो पुटिंग करेंगे ए प्लस 2 भी प्लस 100 ए प्लस टू बी प्लस 1, तो इस एक्सरसाइज को आप बनाकर दिखाइएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहे हैं, हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपना अनुसार चलेंगे, बनाते ही नहीं है, अब 3D कर दिया सी से, अब जो भी फैक्टराइज करना होगा आइनिटिस बेसिस फैक्टराइज है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब आइनिटिस बेसिस पर फैक्टराइज करना है, तो आज 3D में जो है ऐसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ज्यादा लोड आपको नहीं देना चाहते हैं, ना तो कर सकते, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है,
बहुत कम क्वेश्चन है इसमें. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी. आप कहिएगा सर फॉर्मूला कैसे आया, तो मल्टीप्लाई करके, कुछ इसमें नहीं है. इसको जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा. ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप इसको इस प्रकार से राइट कीजिए. अब ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रेकिंग डाउन कीजिए. ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल तो सिंपल है. तो प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप टाइप कर सकते हैं. तो इसको इस प्रकार से लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर, इसको भी राइट कर सकते हैं. और इसको ब्रेकिंग डाउन कीजिए. इसको ब्रेकिंग डाउन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी. आपको क्लियर रूप से समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा. देखिए, इसको होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में आपको रखे हैं. इसको अगर इस टर्म को मानते हैं ए और इस टर्म को क्या मानते हैं बी, ठीक है, आप जो ऐसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए जो आप जानते हैं. तो ए प्लस बी का यूजिंग ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पर क्या लिखा है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी यानी टू ए प्लस बी इंटू सी, टू ए बी लिखा गया, प्लस बी स्क्वायर. यहां लिख दीजिएगा यूजिंग, यूजिंग बुक में नहीं दिया हुआ, अपने मन से बता रहे हैं, यूजिंग यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब इसको ब्रेकिंग डाउन कीजिए इसको, ठीक है, आप समझ गए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को इस प्रकार से वी कैन राइट, यानी इसको डेवलप कर देंगे दो टर्म में, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको जो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे. जब कन्वर्ट करेंगे तो ए प्लस बी के जगह पर ए टेक आउट हुआ और बी के जगह पर सी हुआ, पुटिंग किया, तो टोटल जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर. आपका डायरेक्ट इसको तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मल्टीप्लाई कीजिए इसको टू ए सी. देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिखा है, टू ए सी प्लस टू बी सी और प्लस सी स्क्वायर. देखिए आपका एंटीज आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी. तो इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी है, इसको दो पार्ट में कर दीजिए. जो आप यूज किया है इसको उसी आधार पर प्रूफ होगा. हमारे समझ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ए प्लस प्लस सी का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है कैसे आपको आया. यहाँ यूजिंग लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे आपको जो ऐसे क्लियर रहेगी. आफ्टर डेट इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं.
अगर क्वेश्चन लेता हूँ टेक आउट एग्जाम्पल ग्रुप में, आप इसको समझिए। जैसे लिया हूं इसमें एक्सरसाइज में दो टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप है एक्सपेंड कीजिए, सेकेंड में है फैक्टराइज कीजिए। दो टाइप का क्वेश्चन है। अगर दिया हुआ किसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स माइनस टू बाई माइनस थ्री जेड को एक्सपेंड करना है, आपको एक्सपेंड करना है। एग्जांपल में ले रहा हूं, तो एक्सपेंड आप क्या कीजिएगा, पुटिंग लिखिएगा, ए इक्वल टू पुटिंग, पहले लिखिएगा पुटिंग एक्स इक्वल टू ए, जो फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस टू वाई, सी इक्वल टू माइनस थ्री जेड, ले लिया। इसका मतलब जो है आप जानते हैं, यूजिंग कीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू ए सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो पुटिंग लिए हैं तो क्या लिखाएगा, एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेगा, यानी ए स्क्वायर तो आपको सामने में है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फोर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नाइन जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए का वैल्यू क्या है एक्स, बी का वैल्यू क्या है माइनस टू बी टू वाई सॉरी टू वाई प्लस टू इंटू बी का वैल्यू आप देखिए माइनस टू वाई टू बी सी, बी का वैल्यू है टू वाई माइनस टू वाई और सी, सी क्या है थ्री जेड है, ए राय के प्लस टू ए सी टू इंटू एक्स और सी क्या है माइनस थ्री जेड, यहाँ माइनस थ्री जेड लिखाएगा, सी क्या है माइनस थ्री जेड, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। आप क्या कीजिएगा, पुटिंग कर लीजिएगा कि आपका ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस टू वाई, सी इक्वल टू माइनस थ्री जेड, जो फॉर्मूला यूजिंग है ए प्लस उसको आप लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस और पुटिंग करके ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर, तो आप टू ए बी यानी टू टू जा फोर, फोर टू जा ट्वेल्व है ना, तो आप लिखेगा टू टू जा फोर टू ए बी टू ए एक्स बी, तो टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू टू जा फोर, फोर टू जा ट्वेल्व वाई जेड, फिर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स जेड। इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कीजिएगा, अगर एक्सरसाइज मिलेगा एक्सपेंड करने के लिए इसी प्रकार से एक्सपेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ फैक्टराइज का, फैक्टराइज कीजिए। आप ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है फैक्टराइज, फैक्टराइज कीजिए। एक क्वेश्चन है आपको फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर बाई जेड
माइनस 60xzx, एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसको ये स्पेन फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करना है उस फॉर्म में, तो आपको इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, जैसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है एक्स स्क्वायर लिखे माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब मुझे आपको फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस फॉर्म में है लिखा हुआ। तो ये जो साफ पता चल रहा है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये जो ऐसे राइट क्या हुआ, ऑब्जर्व करना पड़ता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये जो ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ऑब्जर्व करने से तो क्लियर क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, इस पर ध्यान देना है। यहाँ जब ऑब्जर्व किया, यहाँ जो आया हुआ है टू ए बी, सपोज ए, ए सपोज ए स्क्वायर है, ए प्लस बी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर है, प्लस टू ए बी है, प्लस टू बी सी, जो फॉर्मूला लिखते हैं प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लिखना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू ए सी, तो आप इसी पर कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा ये बता रहे हैं, लिखना नहीं है इसको भी। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी, यानी ए और बी जो ऐसे यहाँ पर ए और बी जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बी सी, यहाँ देख रहे हैं ए सी, कहीं कहीं एक अगर ए इक्वल टू पुटिंग, ऐसे लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग अगर लिखें ए इक्वल टू टू एक्स, बी इक्वल टू थ्री बाई सी इक्वल टू फोर जेड, यहाँ पर तो सब आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस टू बी सी, देखिए यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए बी बिल्कुल जो ऐसे आपको क्या लग रहा है पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव कहाँ है बी सी में और ए सी में, तो कोई कोई नंबर जो है या ए हो बी हो सी हो, ए हो बी हो सी हो, कहीं कहीं कोई एक नंबर निगेटिव है, तो ए बी से टू ए बी से तो क्लियर कट है कि एक नंबर निगेटिव नहीं है, दोनों नंबर जो है पॉजिटिव है, कहीं कहीं सी जो ऐसे जहाँ आया है टू बी सी, यहाँ सी निगेटिव नंबर इसलिए निगेटिव हो गया, सी यहाँ निगेटिव था इसलिए यहाँ निगेटिव हो गया, यही ऑब्जर्व करता है करने के लिए, और जब फैक्टराइज करेंगे तो इसी में ऑब्जर्व करना है, तो सी इक्वल टू आप क्या हो गया माइनस फोर जेड। अब इसको ऑब्जर्व आपको बताएं कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू क्या होगा, तो क्लियर कट हो गया कि इसमें ऑब्जर्व करने पर पाया गया कि सी जो है सिर्फ निगेटिव में है, सी क्या है निगेटिव में है। अब इसको सीधे लिखेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, देखिए ऑब्जर्व करने पर पता चला कि सी निगेटिव है। फिर आप यूजिंग फार्मूला आप जानते हैं प्लस टू ए बी, टू इंटू ए का वैल्यू टू एक्स, यहाँ पुटिंग कीजिए टू एक्स इंटू थ्री बाई टू ए बी लिखा गया प्लस टू बी सी, टू बी है थ्री बाई और सी क्या माइनस फोर जे, टू बी सी और प्लस टू ए सी, टू इंटू ए टू एक्स हो गया और सी माइनस फोर जे, समझ में आ रही है हमारी बात ने, हमारी देख रहे वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने पर हम तो टू ए बी टू बी सी और टू ए सी, आप इसको आप क्लियर हो जाता है कि ए जो ऐसे टू एक्स प्लस थ्री बाई माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर, इसको
टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से दो टाइप का क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, एक एक्सपेंड करना है और उसी एक्सपेंड को फिर फैक्टराइज कर देना है। तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, इसको भी बनाने का कष्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको जो मिलेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, आज सिर्फ ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला का हम शो डेट कर देते हैं, कैसे शो करते हैं वो तो क्लियर हो गया। एक बार ए प्लस, एक बार आप क्लियर करते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आया? तो आपको मैं बता दिया हूँ कि इसको दो टर्म बनाइए, ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, दो टर्म बन गया, ए हो गया ए और ये हो गया बी, यानी यूजिंग करना है, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करना है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर में लिखाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे टू ए सी प्लस टू बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू ए सी। तो उसी तो आपको इधर शो डेट में, अगर एक भी का ए भी शो डेट में लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको होमवर्क में हम आपको दे रहे कंप्लीट कीजिएगा, थ्री डी ही कीजिएगा, थ्री डी बन जाएगा तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब में चले आइएगा। आवाज हमारी पहुंच रही कि नहीं, कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आ रही है सर। आ रही है? चेतना हो? Who are you? No सर, अनु है। अनु, थैंक यू अनु, समझ में आती है अनु? यस सर, बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए। बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए, तो एक काम करो ना, जहाँ से हम बता रहे हैं ना, यस सर, शुरू करो। यानी जो फैक्टराइज थ्री सी है ना, थ्री सी से शुरू करो तुम। यस सर। और संडे तक सी और डी, कल तो क्लास है नहीं? ठीक सर। डी को टेकअप कर लो तुम, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर लिखकर अपने ग्रुप में पोस्ट कर देना, हम उसको फोटो बना के भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आपको सी और डी यस सर पोस्ट कर देना। अगर अगर हम ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, अगर सेटिस्फाइड आप नहीं हो रहे हैं, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक ना? नो सर, फ्री। आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, दिक्कत हो तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा ग्रुप से। तो आपको जो ऐसे सी जो आप बन, सी जो है ना, सी जो फैक्टराइज है, आप एट क्लास में बनाए होंगे अनु जी? यस सर। एट क्लास में आप एक बार बनाए हैं, तो रूट वाला क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा सी में, कोई एक आधो क्वेश्चन तो भेज दीजिएगा। यस सर, आज जो क्लास जो ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर, ठीक ना, उसे बहुत कम क्वेश्चन है, तो दो ही एक्सरसाइज बनाइए संडे तक, और उसके बाद उसे थ्री डी का खाली फॉर्मूला का खाली अभी बता रहे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सब याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसका एक्सपेंड कैसे हुआ ये बता रहे हैं हम आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब है,
तब इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसको दो पार्ट में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आफ्टर दैट a प्लस बी इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर कन्वर्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई से एक ए लिया, ठीक है, इस पूरे टर्म को लिया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस बी लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सही में, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको प्लस ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, आप इसको अरेंज कीजिए इसके बाद, यानी ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू आपको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, फिर बी को भी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, जो मल्टीप्लाई का रूल है मोनोनोमियल का, तो ए जो ऐसे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यू, फिर मल्टीप्लाई टू ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया टू ए स्क्वायर बी, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को बी में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी, टू ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया टू ए बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी क्यू। अब इसको अरेंज करना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, अब देखिए टू ए स्क्वायर लाइक टर्म खोजिए, टू ए स्क्वायर लाइक टर्म खोजिए, टू ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दिखाई दे रहा है तो क्या लिखाएगा थ्री ए स्क्वायर बी फिर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस टू ए लाइक टर्म खोजिए, ए बी स्क्वायर कहाँ ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यहाँ है तो क्या लिखेगा थ्री ए बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसमें थ्री ए बी आप जो है टेक आउट कीजिए, थ्री ए बी से टेक आउट है, थ्री ए बी टेक आउट किया तो क्या बचा ए प्लस बी, देखिए आपको कहाँ को ज्यादा सिंपल है तो कोई भी आइडेंटिटीज को आप सो मैंने कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर जो है ए प्लस बी का होल क्यू नेट थ्री ई में है, हम चाहते हैं कि फैक्टराइज को इस मंथ में समाप्त हो जाए मई मंथ में, और जून में हम आपको ज्योमेट्री में आएंगे और ज्योमेट्री को ध्यान से पढ़ना है, नाइन्थ क्लास में आप 50% बुक एवं 50% ज्योमेट्री भरा हुआ है तो ज्योमेट्री क्लास को मिस नहीं करना है। तो फैक्टराइज के बाद में ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक, इसलिए इस मंथ में मई मंथ में आप फैक्टराइज बना लीजिएगा, आपको इस मंथ में पूरा टाइम 22 है आपके पास 8 दिन है तो 8 दिन में आप फैक्टराइज समाप्त कर लीजिए आराम से, नहीं बनेगा क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। आई लाइक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो आपको जो है ऐसे 3D में कुछ नहीं था, फिर हम आपको 3E से क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको बुक मेरे पास है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं, 3 रूट का क्वेश्चन समझाता हूं स्पाइरल टर्म में, क्योंकि ये जो एक फैक्टराइज चैप्टर है वो आपको 10th क्लास में भी काम करेगा, 10th क्लास में इस एक्सरसाइज को बनाना पड़ेगा आपको, इसी टाइप का एक्सरसाइज है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक
बहुत ज्यादा रूट टू एक्स स्क्वायर है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है और प्लस रूट टू है। इस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, जितना भी फॉर्मूला एंटीज है सब याद रखिएगा। अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इजी भी है, इजी में है, तो फोर एक्स को हम फोर को तुरंत हम स्क्वायर कर सकते हैं, थ्री एक्स टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर लाना है, तो आप कैसे स्क्वायर कर करेंगे, अब फोर को करिए आप थ्री एक्स लाइए, फोर ये फोर को स्क्वायर जब करना है तो थ्री एक्स लाना है, तो कैसे आएगा, तो आप बोलिए स्क्वायर तब कीजिए रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस रूट टू है। क्वेश्चन नंबर 42 लिया था, क्वेश्चन नंबर 42 ठीक तो है, फोर कैसे आएगा, थ्री एक्स कैसे आएगा, फोर को स्क्वायर जब करना है, हम मल्टीप्लाई करने पर जो है आपको प्लस में भी आना है, प्लस थ्री एक्स लिखा हुआ है, या तो वन टू फोर, इसी में दो नंबर्स होगी ठीक है, तो टू एक्स प्लस एक्स लेते हैं, यहाँ पर फोर एक्स नहीं होगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो रही थी, रूट टू में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर आएगा, ऑनलाइन क्लास में हो जाती है, क्लास में भी ऐसा होता है, तो इसको रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स लाना है आपको, तो टू एक्स प्लस एक्स राइट कीजिए, थ्री एक्स भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर प्लस टू एक्स स्क्वायर भी हो जाएगी और प्लस रूट टू। अब यहाँ से फाइंड आउट ग्रुपिंग कीजिए, एक ग्रुप पे हुआ एक ग्रुप पर, आपको पता है कि सबसे टेक आउट इस ग्रुप में इजी है क्योंकि वन टेक अप आउट होगा, यहाँ पर भी आप रूट टू आप बाहर निकालिए तो रूट टू बाहर निकलेगा, रूट टू एक्स बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचा इस ग्रुप में सिर्फ एक्स बचा, मल्टीप्लाई में चेक कीजिएगा प्लस टू एक्स इधर बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा रूट टू बाहर निकला, तो रूट टू इसके अंदर में रह गया ना, रूट टू लिखाएगा प्लस वन टेक आउट कीजिए तो एक्स प्लस रूट टू। अब देखिए इस ग्रुप में एक्स प्लस रूट टू को टेक आउट कीजिए तो एक्स प्लस रूट टू, इसके पास क्या लेफ्ट रहा रूट टू एक्स, एक्स प्लस रूट टू टेक आउट हुआ, इसके पास क्या बचा वन बचा, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा एक्सरसाइज, टाइम भी ओवर हो रहा है और जो हम एडवाइस दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो पोस्ट कीजिएगा ठीक है, उसको हम बता देंगे, और घर पर रहिए स्टे होम कीजिए और फैक्टराइज को मई में समाप्त कीजिए इस चैप्टर को, उसका जून में हम लोग ज्योमेट्री में आएंगे और ज्योमेट्री ही मेन पढ़ना है क्लास नाइन्थ में, बहुत अच्छे ढंग से ज्योमेट्री को हम ले जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है, पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे इजी पूर्वक उन्हें रख सकता है कोई टॉपिक को ठीक है। क्लास हम लीव कर रहे हैं, टाइम ओवर हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। क्लास ज्वाइन रखना, मेरा क्लास 2:30 है ना, क्लास छोड़ना नहीं, यस सर आप नहीं रहना है, हाँ लॉकडाउन अभी समाप्त होने वाला नहीं है ठीक ना, ठीक सर, हाँ लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं होगी, टीचर कांटेक्ट में रहो, लिप कर रहे हैं क्लास को, ओके ओके सर, हाँ ठीक ठीक, लवलीस्ट है, थैंक यू, बहुत अच्छा बच्चा, सब अच्छा है बच्चा, हमको सब प्यारा लगता है
लीव करो रे। Thank you.